कटहल की सब्ज़ी बहुत तरीके से बनाई जाती है और आपने बहुत तरीके से बनाया भी होगा, पर आज मैं जो कटहल का कोफ्ता बनाऊंगी, इसे हम तलेंगे नहीं और इसकी ग्रेवी में भी हमने बहुत कम तेल का इस्तेमाल किया है। फिर भी एक कोफ्ता ग्रेवी में डालने पर बिखरेगी नहीं और बहुत ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार होगी। घर के ही मसालों से इसे हमने बनाया है, आप देखें ये देखने में कितनी अच्छी लग रही है और खाने में तो ये टेस्टी है ही। इसे आप रोटी, पराठे, राइस किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं, सभी के साथ ही बहुत अच्छी लगती है। इसी तरीके से हमने बनाया है कटहल दो प्याज़ा, जो आप लोगों को बहुत पसंद आई है। वीडियो पूरा देखने के बाद आज की रेसिपी आपको पसंद आती है तो इसे लाइक कीजिए और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आइए देखते हैं इस कोफ्ता करी को कैसे बनाएंगे। इसके लिए हमने लिया है 500 ग्राम कटहल। कटहल को हमने सब्जी की ही दुकान से कटवा लिया है, तो इसका जो मोटा वाला पार्ट है इसे काट कर निकाल देंगे। अगर आप कटहल घर में काटें तो चाकू और हाथ में तेल लगा लें फिर कटहल काटें। इसे हमने पानी में भिगो कर रखा था ताकि ये काला ना पड़े और इसे हमने दो बार बहुत अच्छे से धो लिया है। आप कटहल की कोई भी सब्ज़ी बनाएं तो इस तरीके से जब छोटे बीज हों उन्हीं कटहल से सब्ज़ी बनाएं। अगर बहुत बड़े बीज हो जाते हैं तो कटहल में थोड़ा मिठास आ जाता है, जो खाने में सब्ज़ी अच्छी नहीं लगती है। तो ये कुकर में हमने डाल दिया है 2 कप पानी। डालेंगे इसमें आधा चम्मच नमक, आधा चम्मच हल्दी। अब इसमें हम डाल देंगे कटे हुए कटहल। आप चाहें तो इसमें एक आलू डाल सकते हैं। अगर आप आलू डालकर कोफ्ता बनाना चाहें तो इसमें आप आलू ले सकते हैं। कुकर को बंद करेंगे और इसे रख देंगे मीडियम फ्लेम पर, 2 सीटी आने तक बॉयल कर लेंगे। इसी तरीके से हमने बनाया है हरे चने की ये सब्ज़ी, जो खाने में बहुत टेस्टी है। तो हरा चना हर समय नहीं मिलता है, इसी तरीके से आप काले वाले चने भी बना सकते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगी। अभी तक आपने इस रेसिपी को नहीं देखा है तो लिंक हमने नीचे दिया है, वहाँ पर क्लिक करके आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है और बिल्कुल आसान तरीके से इसे हमने बनाया है। कुकर में 2 सीटी लग गया है तो फ्लेम को बंद करेंगे और इसे ठंडा होने देंगे। तब तक इसका मसाला तैयार कर लेते हैं। तो एक मिक्सी जार में हम लेंगे 2 हरी मिर्च, 1 इंच अदरक का टुकड़ा, 6-7 कली लहसुन, इसे दरदरा पीस लेंगे। आप चाहें तो इसे बारीक काट करके भी ले सकते हैं। इसी मिक्सी जार में हम डालेंगे 2 बड़े साइज़ का प्याज, जिसे हमने छील करके मोटे टुकड़ों में काट लिया है। इसे भी हम ऐसे ही ग्राइंड कर लेंगे, इसमें पानी बिल्कुल नहीं डालना है क्योंकि प्याज में अपना पानी होता ही है। तो इसे भी हमने बारीक पीस लिया है, इसे भी रख देते हैं साइड में। वापस से उसी मिक्सी जार में हम डालेंगे 2 टमाटर, इसे भी हमने मोटे टुकड़ों में काट लिया है। इसमें हम डाल देंगे 6-7 कली लहसुन और 1 इंच अदरक का टुकड़ा। अब इसमें हम डालेंगे 3 कश्मीरी लाल मिर्चा। इसकी जगह आप कश्मीरी लाल मिर्चा का पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे भी हमने बिल्कुल बारीक पीस लिया है बिना पानी डाले, क्योंकि टमाटर में पानी होता ही है। तो इधर हमारा कुकर ठंडा हो गया, अब इसे खोल लेते हैं। आप देखें कटहल बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो गया है। बस इसी तरीके से पहले आप कटहल को बॉयल कर लें। अब इसे हम एक छन्नी में ट्रांसफ़र करेंगे ताकि इसका एक्स्ट्रा पानी निकल जाए। हमें इसका कोफ्ता बनाना है तो पानी इसमें बिल्कुल नहीं चाहिए, इस बात का आप ध्यान रखें। इस बॉयल किए हुए कटहल को एक बड़े बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे और इसे बिल्कुल ठंडा होने देंगे। तो कटहल हमारा बहुत अच्छे से ठंडा हो गया है। अब इसमें डाल देंगे अदरक, हरी मिर्च, लहसुन का पेस्ट और साथ में डाल देंगे 3 बड़े चम्मच बेसन। इसमें हमने डाला है 1 चम्मच गरम मसाला, 1/2 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, 1/2 चम्मच नमक। तो नमक थोड़ा ही डालेंगे क्योंकि हमने कटहल बॉयल करते समय भी नमक डाला है। इसमें हमने डाल दिया है 2 बड़े चम्मच बारीक कटा हुआ हरा धनिया। हाथ को अच्छे से साफ़ करके इसे बहुत अच्छे से हाथ से मिक्स करेंगे। जब इन सारी चीज़ों को आप डाल करके ये कोफ्ता बनाएंगे तो कोफ्ता का टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। जो कटहल का बीज है इसे भी बहुत अच्छे से इसी में मैश कर लेंगे। तो इसे हमने बहुत अच्छे से मैश कर लिया है। तो हाथ को बहुत अच्छे से साफ़ कर लेंगे और इस पर हम लगा लेंगे थोड़ा सा तेल, ताकि कोफ्ता बनाते समय ये हाथ पर चिपके नहीं। थोड़ा सा पोर्शन लेंगे इसमें से और इसे गोल करके लड्डू की तरह बना लेंगे। तो हाथ से इस तरीके से रोल कर देंगे तो कोफ्ता बहुत अच्छा बनेगा। जितना बड़ा नींबू का साइज होता है बस उतना ही बड़ा कोफ्ता हमें बनाना है। बहुत बड़ा साइज़ का कोफ्ता आप ना बनाएं।
एक कोफ्ता हम आपको और बनाकर दिखा देते हैं। बिल्कुल आसानी से एक कोफ्ता बनकर तैयार हो जाता है। तो हमने सारे कोफ्ते को बना करके तैयार कर लिया है। चलिए अब इसे फ्राई कर लेते हैं। तो इसे फ्राई करने के लिए हमने लिया है अप्पे पैन। इसमें हम डालेंगे बहुत थोड़ा सा तेल। यहाँ पर हमने सरसों का तेल इस्तेमाल किया है। आप जो तेल खाते हैं उसमें आप इसे फ्राई कर सकते हैं। एक एक करके कोफ्ता अप्पे पैन में डालेंगे, फ्लेम को मीडियम रखेंगे और ऊपर से भी थोड़ा थोड़ा तेल डाल देंगे। जब एक साइड सिक जाएगा तब इसे हम पलट लेंगे। अगर आपके पास अप्पे पैन नहीं है तब इस कोफ्ता को आप टिक्की के शेप का बनाएं, जैसे हम टिकिया बनाते हैं बस उसी तरीके से बना लें, और ऐसे ही कम तेल में आप तवे पर उसे फ्राई कर सकते हैं। तो चारों तरफ से पलटते हुए हमने इस कोफ्ता को फ्राई कर लिया है। कोफ्ते पर बहुत अच्छा कलर आ गया है। अब इसे निकाल लेते हैं एक प्लेट में। इसे आप मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई करें ताकि बेसन का कच्चापन इसमें बिल्कुल ना रहे। वापस से इसमें हम थोड़ा थोड़ा तेल डालेंगे। आप चाहें तो इस कोफ्ता को तल करके भी बना सकते हैं। अब इसमें हम एक एक करके कोफ्ता डालेंगे और मीडियम फ्लेम पर इसे फ्राई करेंगे। तो जब तक ये फ्राई हो रहा तब तक हम इसकी ग्रेवी तैयार कर लेते हैं। तो एक कढ़ाई में हमने डाल दिया है 3 बड़े चम्मच सरसों का तेल। तेल को अच्छे से गर्म कर लेंगे। फ्लेम को हमने लो कर दिया है। अब इसमें डालेंगे थोड़े से खड़े मसाले, जिसमें हमने लिया है हींग, 1 मोटी इलायची, 2 छोटी इलायची, 2 लौंग, 1 चम्मच जीरा, 1 तेज़पत्ता, 2 सूखी लाल मिर्च। तेल गर्म है तो ये मसाले तुरंत भुन जाएंगे। फ्लेम को हमने लो रखा है। तो मसाले जब भुन जाएंगे तब इसमें हम डालेंगे पिसा हुआ प्याज। इसकी ग्रेवी के लिए आप प्याज पीस करके ही इस्तेमाल करें, ग्रेवी बहुत अच्छी बनेगी। कटे हुए प्याज से आप इसकी ग्रेवी ना बनाएं, नहीं तो ग्रेवी थिक नहीं होगी। अब इसे मीडियम फ्लेम पर बीच बीच में चलाते हुए बहुत अच्छे से भून लेंगे। इधर हमारा ये कोफ्ता भी फ्राई हो गया है, तो इसे निकाल लेते हैं प्लेट में। प्याज हमारा बहुत अच्छे से भुन गया है। अब इसमें डालेंगे थोड़े से सूखे मसाले। तो यहाँ पर हमने लिया है 1.5 चम्मच पिसा हुआ धनिया पाउडर, 1 चम्मच हल्दी डालेंगे इसमें, 1 चम्मच पिसा हुआ लाल मिर्चा। अब मिर्चा आप अपने पसंद से कम ज़्यादा कर सकते हैं, जैसा तीखा आप पसंद करते हो। अब इसमें हम डालेंगे मीट मसाला। मीट मसाला से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है, पर इसकी जगह आप डाल सकते हैं किचन किंग मसाला या गरम मसाला। तो हमने 1.5 चम्मच डाल दिया है मीट मसाला। अब मसाले को इस प्याज में मिक्स करेंगे। अभी हमने फ्लेम को लो रखा है। अब इसमें हम डाल देंगे तुरंत पिसा हुआ टमाटर, जो हमने टमाटर अदरक लहसुन पीसा था उसे डालेंगे। अच्छे से इसे मिक्स करेंगे और कढ़ाई को ढक देंगे 2 मिनट के लिए। लो फ्लेम पर इसे पकने देंगे ताकि टमाटर अच्छे से पक जाए। 2 मिनट हो गया। अब इसे खोलेंगे और बीच बीच में चलाते हुए इस मसाले को भून लेंगे। तो मसाले को आप बहुत अच्छे से भूनें। अच्छे से मसाले को भूनेंगे तो ग्रेवी बहुत टेस्टी बनेगी। इसमें हम डाल देंगे 1 चम्मच नमक। नमक आप अपने स्वाद के अनुसार डालें। साथ में डालेंगे 2 बड़े चम्मच कसूरी मेथी। तो कसूरी मेथी को इस तरीके से हाथ से क्रश करके डालें। अब इसे मिक्स करते हुए मसाले को भूनेंगे। फ्लेम को हमने लो मीडियम पर रखा है। अब इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा चीनी, जो टमाटर की खटास को बैलेंस करेगा। चीनी डालने से सब्जी आपकी मीठी नहीं होगी पर टेस्ट बहुत अच्छा आएगा, तो थोड़ा सा चीनी आप इसमें ज़रूर डालें। मसाले को हमने बहुत अच्छे से भून लिया है। आप देखें इसमें से तेल अलग हो गया है। तो अब इसमें हम डालेंगे 4 कप गर्म किया हुआ पानी। पानी को आप गर्म कर लें फिर आप ग्रेवी में डालें, टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। इस ग्रेवी को बीच बीच में चलाते हुए 2-3 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर पका लेंगे। इसमें डाल देते हैं 2 हरी मिर्च, टेस्ट अच्छा आएगा। 2 मिनट इसे पकाने के बाद हम इसमें डालेंगे कोफ्ता। फ्लेम को लो मीडियम पर रखेंगे। साथ में हमने डाल दिया है बारीक कटा हुआ हरा धनिया 2 बड़े चम्मच। अच्छे से इसे मिक्स करेंगे और कढ़ाई को ढक देंगे। ढक करके इसे हम लो मीडियम फ्लेम पर 3 मिनट तक पका लेंगे ताकि मसाले का सारा फ्लेवर कोफ्ते के अंदर आ जाए। 3 मिनट तक इसे हमने पका लिया है। आप देखें देखने में ये सब्जी कितनी अच्छी लग रही है। आप देखें ग्रेवी में पकने के बाद ये कोफ्ता बिखरी नहीं है, बिल्कुल परफेक्ट सब्जी बनकर तैयार हुई है। अभी आपको ये ग्रेवी पतली लग रही है, थोड़ी सी ठंडी होगी तो ये ग्रेवी गाढ़ी हो जाएगी।
अगर आपको बहुत ज़्यादा गाढ़ी ग्रेवी पसंद है तब आप इसमें 3 कप पानी डालें। तेज़पत्ता को हमने निकाल दिया है क्योंकि इसका फ्लेवर इसमें बहुत अच्छे से आ गया है। तो फ्लेम को बंद करेंगे और इस सब्जी को निकाल लेंगे सर्विंग बाउल में। आप देखिए एक कोफ्ता करी देखने में कितनी अच्छी लग रही है। और आपने देखा घर के ही बेसिक मसालों से हमने बिल्कुल आसान तरीके से इस सब्जी को बनाया है। तो एक बार आप इसे मेरे तरीके से बनाकर ज़रूर देखें। इसे गार्निश कर देते हैं कटी हुई हरी धनिया से। तो लीजिए सर्व करने के लिए तैयार रहिए हमारी बहुत ही टेस्टी कटहल का कोफ्ता। आप देखें थोड़ी सी ही ठंडी होने के बाद इसकी ग्रेवी बिल्कुल परफेक्ट गाढ़ी हो गई है जैसा हमें चाहिए। इतनी गाढ़ी ग्रेवी आप इसकी रखें तो ये खाने में बहुत टेस्टी लगेगी। इसे आप रोटी पराठा राइस किसी के साथ भी सर्व कीजिए, सभी को बहुत पसंद आएगी। तो एक बार आप इसे ट्राई ज़रूर कीजिए। बनाने के बाद आज की रेसिपी आपको पसंद आती है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए सभी के साथ। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं इसी तरह एक और रेसिपी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।